सो हेलो स्टूडेंट्स है यू ऑल जेंग टू ऑल ऑफ यू अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ लेक्चर नंबर फोर्टीन हमारा एनालिटिकल जीमेट्री में चल रहा है स्ट्रेट लाइन को हमने शुरू कर दिया है लास्ट एक लेक्चर जो हमने देखा था वो स्ट्रेट लाइन का इनिशिएशन था पहला लेक्चर था उस पर बेस्ड मैंने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी आज उसी पर बेस्ड जो लेक्चर बन था उस पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक फील अपना बन सके फिर तो उसके बाद धीरे धीरे हम जो असली टॉपिक्स हमारे हैं उसमें हम उतरेंगे तो आपने आई होप आप इससे पहले की जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपने देख ली होंगी अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो उन्हें एक बार समझते हैं देखिएगा पहला क्वेश्चन ये है देखो जो भी आपने पढ़ा था वो आपकी समझ बैठी कि नहीं बैठी वो पता चलेगा क्वेश्चन करके क्वेश्चन ट्राई करो पहले खुद फाइंड वेयर द लाइन दिस मीट्स द प्लेन इसका मतलब क्या होगा कि कोई लाइन है मैं आपको कोशिश करूंगा कि बाकी बातें भी समझाऊं ताकि क्वेश्चन को सिर्फ हम एक उसके तौर पर लें बाकी उससे हम चीज़ों को समझ लें देखो ये अगर आपको लाइन दे रखी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स माइनस वन अपऑन टू इज इक्वल टू आई शुड टेक नेगेटिव एज कॉमन तो नेगेटिव जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा वाई माइनस टू और नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने और ऐसे करके जेड माइनस माइनस का थ्री अपॉन मै फोर आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे यार ये नेगेटिव को मैं बोलूंगा नीचे उठा दो आप बोलोगे कर क्या रहे करना क्या चाहते हैं आखिर आपको याद होगा जब मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था जो भी आपने इससे पहला लेक्चर देख के अब अगर आए हो तो आप समझ रहे हो कि वहां पे मैंने आपको ये डिराइव कराया था x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टाइप का तो यहां से क्या समझ में आता था कि जो एक्स वन वाई वन जेड वन थे और एबीसी क्या था एबीसी असल में डायरेक्शन रेशियो था उस लाइन के पैरेलल वेक्टर जो गिवन था उसका या इनडायरेक्टली लाइन का भी तो मैं आपको समझा देता हूं क्या ना क्या चार अगर आप कंपैरिजन तो इसमें क्या बात काम की है कि एक्स का वाई का जेड का कोफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे क्यों नेगेटिव कॉमन लिया क्योंकि y का नेगेटिव वन हो गया था। नेगेटिव मतलब की वन टू कि, कि लाइन अपनी यहां से पास कर रही है एक बात दूसरी बात ये लाइन जो है जिसके बारे में जानकारी दी गई है इसके पैरेलल वेक्टर गिवन हो गया क्यों क्योंकि वो नीचे की जो चीजें वो वही है टू माइनस थ्री टू आई कैप माइनस का थ्री जे कैप प्लस का फोर के कैप पहले कंपैरिजन करना पहले ही मत बोल देना कि नीचे की चीज़ वही है अगर ऐसा बोलते तो आप टू थ्री फोर गलत हो जाता वो हिसाब किताब करना पड़ेगा पहले एक्स वाई जेड के कोफिशेंट को वन बनाना पड़ेगा उसी के बाद आप कह सकते हो नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो से लास्ट लेक्चर आप देख कर आए हैं आपको क्लैरिटी है मैंने क्या क्या लिख रहा हूँ ये ये बोलना चाह रहे कि ये कहीं पर आके इस प्लेन को मीट करता है उसके बाद ये निकल लेती होगी ये लाइन जो जा रही है आपकी कहीं पर प्लेन को इंटरसेक्ट टाइप का कुछ करती होगी उसके बाद पेनिट्रेट करके पीछे को निकल लेती है वो किस पॉइंट पर करती है यही, हाँ, यही बोलना है क्या हाँ यही बोल रहा है फाइंड वेयर दी लाइन मीट्स दिस प्लेन ये लाइन किस जगह पर प्लेन को मिलती है ऐसा बोलना चाह रहा है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो ठीक है बस अब कर रहे हैं इस प्लेन का नाम है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस का जेड माइनस का वन इक्वल टू जीरो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो सिंपल सा रूल है सिंपल सा रूल क्या है क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं बहुत ईजी है ये तो मैंने आपको बताया कि ये ये चीज़ें हैं इतनी ज़रूरत नहीं है समझो आप क्यों नहीं है क्योंकि जब आपको ये चीज़ दी गई है ये लाइन की इक्वेशन है ना क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें जो एक्स वाई जेड है ये है कौन आपने अगर लेक्चर देखा है प्रीवियसली आप एकदम बोल दोगे कि इस लाइन में लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स वाई जेड वही ऊपर लिखा हुआ तो मैं एक बार ये तो निकाल लूँ कि जनरल पॉइंट दिखता कैसा है निकालता हूँ चिंता मत करो मान लेते हैं कि जो ये चीज़ मुझे दे रखी है पूरी की पूरी लेट से दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइप कुछ भी कह दिया आप वैसे ना ये काम ऊपर भी कर सकते हो डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि इनको इनको अभी हिसाब किताब करना इनका आवश्यक नहीं है अभी वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कि आपको पता लगे कि कौन क्या क्या सीनारियो है इस पर्टिकुलर केस में जरूरत किस चीज़ की एक्स वाई जेड की और वो कैसे निकल सकते हैं इफ़ आई एम जस्ट सपोजिंग दिस होल थिंग देखो करके दिखाता हूँ एक्स माइनस वन टू जैसे मैं मान लेता हूँ नहीं भी खोल रहा है इसको मैं ऐसे का ऐसा ही रहने दे रहा हूँ कोई सही नहीं किया मैंने उसको बस मैंने सिर्फ लेमडा या आर किसी के इक्वल रख दिया ऐसे तो आप अगर पहले दो को इक्वल इसको इसके इक्वेट करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू टू इंटू लेमडा प्लस वन क्या आप समझ पा रहे हो जब आप इसको इक्वेट करोगे लैमडा के तो आपके पास क्या निकल के आएगा ध्यान से देखना थ्री लेमडा है ना यहाँ थ्री लेमडा को उधर भेज दो तो टू माइनस थ्री आप समझ पा रहे हो नॉर्मल कैलकुलेशन है जेड इज इक्वल टू कितना होगा फोर लेमडा माइनस थ्री जब मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट किया ये कौन है ये ये तीन कुछ और नहीं ये यही है यही है ये टू लेमडा प्लस वन इसकी वैल्यू हो गई इस केस में टू माइनस थ्री लेमडा हो गई फोर लेमडा माइनस थ्री हो गई तो ये निकल गया यानी कि इस लाइन की वैल्यू निकल गई कि ये इस लाइन में लाई करने वाला कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट इस शक्ल का होगा अब खुद सोचो कि जब लाइन प्लेन में जा रही होगी तो क्या घटना हो रही होगी ये घटना हो रही है कि ये मैं बोलूंगा ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा आप बोलोगे लाइन में मैं बोलूंगा प्लेन में नहीं कर रहा क्या आप बोलोगे बात तो सही है असल में दोनों में कर रहा इस पॉइंट की खास बात ही यही है जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है जहां पर वो लाइन टच uh, कर रही है प्लेन को या इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पॉइंट लाइन में भी लाई करेगा और वो पॉइंट प्लेन में भी लाई करेगा हो गया खत्म तो इसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि मैं वो केस निकालना चाह रहा हूं कब ऐसा होगा कि ये जो जनरल पॉइंट है ये प्लेन में लाई करे जनरल पॉइंट जो है ना यह कुछ भी हो सकता है कुछ भी मतलब जो इस पूरी लाइन में कहीं पे भी हो सकता है लेकिन हर कंडीशन के लिए एक लैम्डा अलग अलग होगा हम उस लैम्डा को निकालना चाह रहे हैं जिस समय वो प्लेन पर होगा यानी कि ये जो पॉइंट है ये आर पॉइंट कब प्लेन पे होगा तो यानी प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा उसमें रख दो वैल्यू टू एक्स के प्लेस पे ये थोड़ा समझो पॉज करके ठीक है ना समझ नहीं आया तो कोई रट्टे नहीं मार रखे हमने कि आप आ, आपको समझ नहीं आ रहा आपको समझ में आना चाहिए नहीं आ रहा प्लीज पॉज करके देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आखिर सॉल्व कर दो टू टू जार फोर लेमडा और माइनस का ट्वेल्व लेमडा चलो एक बार कर लेते फोर लेमडा माइनस का ट्वेल्व लेमडा और माइनस का फोर लेमडा यहाँ पे क्या हो जाएगा टू वन जार टू फोर टू जार एट और माइनस माइनस का प्लस का थ्री इक्वल टू वन फोर लेमडा फोर लेमडा कट गया माइनस का ट्वेल्व लेमडा वैसा ही लिख दो आठ और दस होता है दस तीन तेरह तेरह में से एक गया बारह और इसको उधर ले जाओगे तो इसे अच्छा नेगेटिव का बारह ज्यादा बेटर रहेगा तो लेमडाज वन आ रहा अभी लेमडाइजिकल टू वन जैसे ही आया आपने लेमडा की वैल्यू जैसे ही इसमें इसमें डाली इस चीज में वन तो देखते हैं क्या हो रहा है तो हमारे पास वो जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है टू इन टू वन प्लस वन थ्री वन डाला जैसे ही तो ये हो गया माइनस का वन और ये कितना हो गया फोर वन जैसे फोर माइनस थ्री वन ये निकला खुद सोचो खुद सोचो प्लीज ये क्या निकला ये आपको पता है ये पॉइंट निकला है वो थोड़ा पॉज मार के सीखो वैसे तो आप समझ गए होंगे पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा बोलने में लगा हुआ लेकिन फिर भी यार पता नहीं क्यों मनसा कर जाते कोई बोलने का ठीक है तो बस इतनी सी कहानी है आप एक बार कहानी को प्लीज समझ लो कहना क्या चाह रहे ये लाइन इस प्लेन को कब टच करेगा तो लाइन का जनरल पॉइंट बेसिकली कब प्लेन पर होगा ये कहना तो कहना चाह रहे तो लाइन का जो भी जनरल पॉइंट है जैसे हमने उसे प्लेन में डाला तो वो कह रहा है वो तब ऐसा होगा जब लेमडा कितना होगा वन तो जब लेमडा वन होगा तब क्या होगा तब ये होगा कि ये पॉइंट प्लेन में कर रहा होगा तो लेमडा वन रख दो ना तो ये पॉइंट ये है थ्री माइनस वन वन है वो पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एक बार पॉज करें वीडियो को और फिर आगे बढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करें फाइंड द फाइंडियो इन विच द ज्वाइन ऑफ दिस टू पॉइंट इज कट बाय द प्लेन फाइंड ऑल्सो देखो एक पॉइंट है टू थ्री वन एंड इज अनदर पॉइंट माइनस टू वन माइनस थ्री ध्यान से प्लीज और कुछ कह दो इनको नाम पी क्यू रख दो कुछ भी रख दो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक प्लेन है रास्ते में पड़ा हुआ प्लेन ये प्लेन बोलना चाह रहे प्लेन का नाम दे रखा उन्होंने एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो ये बोल रहे हैं कि ये प्लेन इन दो लाइन को कितने कैसे कट करेगा आप समझ रहे हो प्लेन का मतलब जैसे एक लाइन है अरे प्लेन प्लेन मतलब जैसे समझ गए आप ठीक है तो ये प्लेन बेसिकली दो तीन पॉइंट पे कट नहीं कर रहा आपको ऐसे नहीं महसूस होना चाहिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly एक प्लेन पे आप जैसे एक पेपर है पेपर को सोचो कि आप, सी, आप सीजर से कट कर रहे हो तो सीज़र का सीजर प्लेन की तरह कट कर रहा है समझ रहे हो आप ठीक है जैसे एक छोटी सी कुछ एक स्टिक टाइप की है लाइन टाइप की हो गई आप उसे कट कर रहे हो किसी नाइफ वगैरह से तो जब आप नाइफ वगैरह से उसे कट कर रहे हो तो नाइफ आपका प्लेन की तरह तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ना ऐसा कुछ ठीक है तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जहां पे घटना हो रही है वो आ रहा है उसका कॉर्डिनेट एक्सवाइज जेड है और मान लेते हैं कि जब उसने उसे वो किया डिवाइड किया सेक्शन बनाए तो लेमडा एस टू वन का सेक्शन बना आप समझ रहे हो वैसे एम एस टू एन भी कह सकते हो लेकिन हम लेमडा वैसे मैं एम एस टू एन ही कहता था बचपन से यार लेकिन अब आदत लग गई मेरी भी ये बेकार सी कि लेमडा एस टू वन मान लो यार कुछ भी मान लो ठीक है तो ये हो गया ठीक है ना तो अब कहने का मतलब ये होगा कि द हमें टू की वैल्यू निकालनी की वैल्यू निकालनी है मोटा मोटा ये समझ लो ठीक है कुछ भी नहीं है कहानी में क्योंकि समझ में क्या आ रहा है समझ में आ रहा है कि सेक्शन फार्मूला लेगा इससे ज्यादा लगा भी कह सकते हैं मैं आता भी क्या और तो देखो अगर ना मैं ये पता लगा दू कि सिंपल सा काम हो रहा है इसमें तो ज्यादा कितना क्यों सोचना है देखो इधर इसको ये कैसे निकलेगा सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है कि एक्स वाई जेड कैसे निकलेंगे सोचो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x कैसे निकलेगा ये जो चीज है ये अपोजिट x के साथ जाता है बहुत सिंपल और ये वाला जो जाता है वो अपोजिट x के साथ जाता है सिंपल वन टू जर टू वन टू ज टू और दोनों रेशियोज आपस में ऐड हो जाते हैं ये तो करते हो आप x निकालने के लिए y कैसे निकालोगे ये लैमडा अपोजिट y के साथ जाता है अरे सेक्शन फॉर्मुला लगा रहा हूं टेंथ क्लास वाला वन थ्री के साथ मल्टीप्लाई होता है नीचे लेमडा प्लस वन सिमिलरली लैमडा थ्री के साथ जाएगा माइनस थ्री लेमडा वन वन के साथ जाएगा वन अपॉन लेमडा प्लस वन गॉड एट ये एक्स वाई जेड की कुछ खास बात तो नहीं है हाँ जी खास बात है ये प्लेन में लाई कर रहा है ये तो खास बात है इसकी और प्लेन की इक्वेशन दी भी इसका मतलब ये एक्स वाई जेड विल सेटिस्फाई दी इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो नहीं करेंगे सेटिस्फाई अगर कर देंगे सेटिस्फाई तो एक्स के प्लेस पे लिख दो उसे एक्स के प्लेस पे ये लिख दिया ये जो चीज है ना कॉमन वो अभी लिख नहीं रहा वो कॉमन ले रहा हूँ मैं सब माइनस का टू अपने अपने कैलकुलेशन अपने स्टाइल से करो प्लीज लेमटा प्लस थ्री डिनोमीटर बचा रखा है मैंने मुझे याद है थ्री जेड क्योंकि डिनोमिनेटर सबका कॉमन है प्लस फोर आ रहा है यहाँ पे फोर वो सबका जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस लेन और वो इक्वल टू जीरो अपने अपना अपना कैलकुलेशन प्लीज अपने स्टाइल में करें मैंने सिर्फ इन वैल्यूज को यहां डाला माइनस का टू लेर लेमडा कट गया तो लो ये कट गया पूरा अच्छा टू और ये माइनस का सिक्स समझ रहे होंगे थ्री वनजार थ्री और फोर वनजार फोर और माइनस का नाइन लेमडा हेलो आ, तीन और दो पांच और चार नौ नौ में से छः गया तीन और नाइन लेमडा को उधर भेज दो आई होप आपको मेरी बातचीतें कुछ समझ में आ रही होंगी आपको पता नहीं ऐसा नहीं लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं दो में से छः गया चार होता है नेगेटिव का नेगेटिव चार नेगेटिव चार डायरेक्ट भी कट गए तीन उधर गया नेगेटिव का हो गया तो लेमडाजू वन बाई थ्री पॉजिटिव का आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारा अब जैसे ही लेमडा वन बाई थ्री आगे क्या करोगे इस लेमडा को फिर डाल दो ना यहाँ पे आप प्लीज़ समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को हाँ जितना पॉसिबली समझाया जा सकता है उतना मैं समझा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानबूझ के मैं नहीं बोल पाऊंगा वो आपको समझनी पड़ेंगी टू क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा टू माइनस टू इंटू लेमडा बस ये जो निकल रहा है ये आपका आंसर होने वाला है चलो निकाल लेते हैं यार टू माइनस टू इंटू वन बाई थ्री मैं जस्ट वैल्यू रख रहा हूँ लेमडा की अब वन बाई थ्री प्लस वन वन कितना होता है फोर बाय थ्री तो ये हो गया तो ये तो सबका फोर बाय थ्री होगा इसमें तो कोई टेंशन नहीं है टेंशन ऊपर भी नहीं है भाई वन बाई थ्री प्लस थ्री थ्री थ्रिज थ्री थ्रिज नाइन प्लस वन टेन बाई थ्री वन माइनस थ्री इंटू वन बाई थ्री ये कट गया जीरो हो गया तो कुल मिलाकर ये थ्री से थ्री गया आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज कितनी आ रही है दे आर नथिंग बट चार बाई तीन चार बाई तीन हो गया ये आपका दस बाय चार दो पंच दस दो चार और ये हो गया जीरो तो मिलाकर के ये आपका रिजल्ट आ रहा है ये है कौन ये फाइंड द रेशियो इन विच अभी रेशियो निकला नहीं भैया रेशियो अच्छा रेशियो तो कब का निकल गया था हमारे यार रेशो तो लेमडाइज आप देखो प्लीज हाँ इन्होंने बोला था ना पहला क्वेश्चन था रेशियो कितना होगा तो हमने रेशियो क्या माना था मिक्की माउस किया जाएगा यार मिक्की <laughs> माउस करता था ना ऐसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है बोलो लैमडा लैमडा इज टू वन ये ये था रेशियो तो लैमडा का मतलब वन बाई थ्री इस टू वन हमारा रेशो आ गया लेकिन ये रेशियो ऐसा छंग लगता बोलना थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो वन हो जाएगा थ्री हो जाएगा वन इज टू थ्री का आंसर आया यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरफ वन है उस तरफ थ्री है यानी कि ये समझो कि ज़्यादातर इसकी तरफ कटा हुआ है वो प्लेन आप समझ रहे होंगे शायद मैं ना कहना दूसरी बात मैंने फाइंड ऑलसो द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो हमने बिना बोले बता दिया ये है आंसर आ गया बस ठीक है आगे बढ़ते हैं ये मैंने आपके आगे के लिए काम कर रखा था ये आगे समझाऊंगा आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये अच्छा क्वेश्चन मतलब ठीक है ऐसे क्वेश्चन छोटा छोटा सा ठीक है फ्राम दरिजन देखो ओरिजिन से प्लीज थोड़ा समझना है ये क्वेश्चन का ये मोटिव नहीं है कि एग्ज़ाम में आएंगे ऐसा कुछ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के परपस से इसलिए मैंने अलग से एक सेशन लिया इन क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए मैं चाहता तो ये भी सोच सकता था कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ ये सब बातें लेकिन मेरा मानना है कि अब भुले हो गया अगर पढ़ा भी होगा तो इसलिए एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ बस बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ दर इसका मतलब ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया प्लेन पे और जहाँ पे प्लेन पे ड्रॉप किया गया होगा तो फिर वो बोलना चाह रहा है कि ये फुट ऑफ़ दी परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा यानी कि ये ये कितना होगा लेट से थोड़ी देर के लिए एबीसी टाइप का सपोज कर लो ये एबीसी की वैल्यू पूछ रहे बचपन में करते थे ऐसे वैसे ना टू डी में भी करते थे हम तो कुछ दिक्कत नहीं ठीक है तो प्लानिंग बहुत क्लियर है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है पूछो क्यों पूछ लो एक बार पूछ लिया ठीक है अब अब देखो एवं बताओ इस प्लेन के बारे में कौन कौन मुझे जानता है कि प्लेन हमने पढ़ा हुआ और प्लेन में हम देखते ही साथ एकदम बिल्कुल देखते ही साथ बोल सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस का फोर के कैप बोलो हम नहीं बोल सकते क्योंकि टू थ्री माइनस फोर एकदम बोल सकते हो बोल सकते हैं ये क्या हो गया नॉर्मल वैक्टर हो गया अरे ये नॉर्मल वैक्टर मैंने एकदम व्हाइट लाइन के पैरल क्यों बनाया क्योंकि व्हाइट लाइन जो थी वो परपेंडिकुलर थी इसके ऊपर मैंने बोला इन्होंने क्वेश्चन में बोला था इन्होंने कहा था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है तो आप क्या समझ नहीं पा रहे कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए यानी कि जो अपनी ये, ये लाइन है ये जो अपनी लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर हमें मिली है इंडायरेक्टली बोलो लाइन की इक्वेशन नहीं निकल पाएगी अब अरे भैया लाइन कहाँ से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है इसी से तो लाइन की इक्वेशन निकलती थी ना आपके समझाने के लिए ऐसा ही करूँ ये जो व्हाइट कलर की लाइन है उसकी इक्वेशन यही होगी जहाँ पे ए बी सी का प्लेस किसने ले लिया इन लोगों ने ले लिया जहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन का प्लेस किसने ले लें इसने क्योंकि लाइन जहाँ से पास करती है वही एक् 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 एक्स वन वाई वन जेड वन है तो एक्स माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है वाई माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है जेड वाइन जीरो लिखना नीचे कितना हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा बोलो हो जाएगा इसको कुछ लैमडा टाइप का सपोज कर लो प्लानिंग पहले बता देता हूँ फिर करता हूँ आगे काम देखो प्लानिंग क्या है प्लानिंग यह है कि मैं फिर लास्ट टाइम की तरह जनरल पॉइंट निकाल दूंगा हाँ जी कैसे निकालोगे आप ऐसा पूछ रहे आप वहाँ से बैठ के मैंने कहा देखो ऐसे निकालूंगा एक्स वाई जेड इजीकुल टू क्या होंगे देखो ये सबसे पहले इन दो को कंपेयर करो इन इसको तो एक्स इजोल टू सिंपल टू लेमडा निकल रहा सिमिलरली वाई इज टू सिम्पल थ्री लेमडा निकल रहा जेड इज टू ध्यान से माइनस का फोर लेंडा निकल रहा गॉट इट अब आप ये बताओ इस लाइन ये लाइन जब जाती है जाती है तो एक खास पॉइंट जहां पे प्लेन में टच करती है उसी आ, वो पॉइंट क्या निकल सकता है ए वही निकालना भी है तो आप खुद ही बताओ ना ये कौन है ये निकला प्लीज़ इस पर थोड़ा वेट करो रुको आराम से सब्र करो और इसको खुद सॉल्व समझो इस चीज़ को मैं हिंट के तौर पर कह देता हूं मेरी बात से समझ आएगा नहीं आएगा ये गारंटी नहीं है लेकिन मैं हिंट की पे कह रहा हूं, आप एक पूरी व्हाइट कलर की, के, जितने है, उन एक की खास बात क्या ये लाइन में भी है और ये प्लेन में भी है ठीक है तो हम मान लेते हैं कि यार ये जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है जो प्लेन में लाई कर रहा है तो अगर ये प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा यानी इंटू एक्स के प्लेस पे रख दिया वाई के प्लेस पे रख दिया जेड के प्लेस पे रख दिया Solve कर लो, और मतलब का 16 प्लस का 1 तो बोलो, समझ नौ चार कितना होता तेरह सोलह दस छब्बीस प्लस इज इक्वल टू माइनस वन उस हिसाब से लैमडा इज इक्वल टू तो कितना माइनस का वन अपॉइंट ट्वेंटी नाइन है ये? ये बोल रहा है कि उन जनरल पॉइंट को बोल रहा है क्योंकि आर क्या जनरल पॉइंट जो इधर से उधर घूमता रह रहा है उसको जैसे ही हमने बोला कि आप लेमडा कितना डालो माइनस का वन बाई ट्वेंटी नाइन तो वो कहाँ पे आके ठहर जाएगा यहाँ पे आके ठहर जाएगा क्यों ठहर जाएगा क्योंकि ये स्पेशलिटी है ये लेमडा तब निकला जब हमने माना कि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो प्लेन में है और प्लेन में इकलौता पॉइंट है हो गया काम पच्चीस बस आपको कुछ नहीं करना आपको बस अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर लेमडा डालोगे एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा माइनस का टू बाई उनतीस माइन एस का थ्री बाय ट्वेंटी नाइन और ये हो जाएगा प्लस का फोर बाई ट्वेंटी नाइन और कुछ बताना था क्या फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द हो गया ये कॉर्डीनेट निकल गया आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक बेसिक चीज़ है ऐसी ही समझ में आती है एक क्वेश्चन ये इमेज का देख लो छोटा सा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा इसमें एक आध और चीज़ें एक्स्ट्रा करके पूछी जा सकती है ऐसा क्वेश्चन ना पूछा एक्सपेक्टेशन है इसकी टफ नहीं होता और किसने कहा कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते एग्जाम में ठीक है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट देखो ये एक पॉइंट है थ्री फाइव सेवन थोड़ा समझ लेना सिंपल सा क्वेश्चन है, है कोई नहीं। इसकी इमेज बतानी है इस प्लेन के अबाउट ये प्लेन का नामकरण करा हुआ टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स देखो इमेज का मतलब क्या होता है कि इसको ना मिरर टाइप का मान लो तो मिरर इमेज कैसे बनती है मैं मिरर से अगर पाँच मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ तो मेरी इमेज मिरर के अंदर पाँच मीटर पर बनेगी ऐसा कुछ पढ़ा हो बचपन में आपने बस वही चीज है तो जब ये जाएगा यहाँ कहीं पीछे हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि अगर ये पॉइंट पी है तो इसकी इमेज का हमने नाम दे दिया क्यों बोलो गलत कर दिया हमने अरे क्यों करा गलत यार गलत करें हमारे दुश्मन हम क्यों करें गलत तो कहने का मतलब ये है इसे थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो ए बी सी टाइप का मान लिया मैंने ये पॉइंट को कुछ थोड़ी देर के कुछ है क्या एक्स वाइज एड टाइप का कुछ कह लो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि पी और क्यों का ये मिड पॉइंट है मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज की खास बात है कि मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट यानी पी उतना ही दूर उसकी इमेज बनेगी यानी क्यों समझ तो नहीं गए खैर आप यार मेरे पैर में दर्द हो रहा बहुत तेज पता है वो भी एक मिनट है चलो ठीक है अभी हम आगे की बात करते हैं फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट थ्री फाइव सेवन इन द प्लेन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स तो कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको रुक जाओ अब फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन ठीक है ठीक है कुछ नहीं करना इधर आ जाओ देखो इस प्लेन के बारे में क्या आपको फिर से एक बात पता है क्या आपको पता है इस प्लेन के बारे में कि इसका नॉर्मल आपको पता है बधाई हो कितना टू आई प्लस जे प्लस के बोलो नहीं पता मैं यहाँ से देखा मैंने इसके कोफिशंस बस चीटिंग और कुछ नहीं मैंने वाइट लाइन के उसे पैरेलल बनाया बनाना पड़ेगा क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट इसे मिरर वगैरह की बात करते हो तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास सामने प्लेन खड़ा हुआ तो मैं यूँ यूँ नहीं जाऊँगा मैं ठीक सामने जो परपेंडिकुलर होगा उस पर हिट करूँगा इमेज वगैरह निकालने के लिए ये फंडा चलता है तो इसीलिए परपेंडिकुलर है बेसिकली जो ये लाइन है आपकी तो क्या आपको नहीं लग रहा है व्हाइट और येलो लाइन पैरेलल होनी चाहिए है तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पी क्यू लाइन येस ऑब्वियसली वी कैन बिकॉज वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस लाइन इज पासिंग थ्री फाइव सेवन एंड ऑल्सो वी हैव अ डायरेक्शन रेशियोज तो हो गया काम एक्स माइनस एक्स वन डायरेक्ट कर रहा हूं वाई माइनस वाई वन क्योंकि ये एक्स वन है ये वाई वन है जेड वन है जेड माइनस जेड वन बोलो नीचे का लिखते हैं ए बी सी ए बी सी यानी कि इसके जो पैरल वैक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज यानी कि टू वन वन गॉड रेट हर बार की तरह बिना किसी के बोले एक काम कर दो एक्स वाई जेड थोड़ा सा मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ इस चीज़ को हाँ बड़ा प्रोफेशनल हो गया इतने में <laughs> कुल मिला के बात यह है कि इसको इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ टू लैमडा माइनस का थ्री उधर आके प्लस का हो जाएगा ये? अब इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो लैमडा प्लस फाइव हो जाएगा अब इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा लैमडा प्लस सेवन अ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन पी क्यू तो अगर मैं बोलूं कि यार मैं उस पॉइंट की बातचीत करना चाह रहा हूं एक बार इस पॉइंट पे फोकस करने लग गया तो इस पॉइंट की खास बात क्या है दिस इज अ पॉइंट लाइंग बोथ लाइंग ऑन बोथ प्लेन एज वेल एज लाइन तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस कोऑर्डिनेट को उठाकर प्लेन की क्वेश्चन में डालता हूँ प्लीज़ इस पर समझना इस बात को ऐसा नहीं कि खाली आप बस एक प्रोसेस अपना रहे या प्रोसीजर अपना रहे हो उससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको फिर ठीक टाइम पर समझ नहीं आएंगी चीज़ें एग्जाम में आपको एग्जैक्टली exactly पूरा डाइजेस्ट होनी चाहिए बात की कहा क्या है क्यों कर रहे हैं ऐसा सामने वाला दो धुनी चार लेमडा पाँच लेमडा छः लेमडा टू थ्री हजार सिक्स फाइव इलेवन सेवन एटीन सिक्स में से एटीन गया माइनस का ट्वेल्व लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का टू क्या होगा इससे इस लैमडा इस को जैसे ही आप उठा करके यहां डाल दोगे वापस तो अब क्या निकलेगा ये बोलेगा भाई कौन सा लेमडा निकला ये बोलेगा मैं वही लेमडा निकला जो आपने मेरे पे कंडीशन लगाई हमने क्या कंडीशन लगाई हमने ये कंडीशन लगाई कि प्लेन में तो बोला मैं मैं वही वाला निकलूंगा जो प्लेन पे पॉइंट है यानी कि क्या जैसे ही आप माइनस टू रखोगे तो दैट विल बिकम थ्री माइनस टू थ्री माइनस फोर माइनस वन फाइव माइनस टू थ्री सेवन माइनस टू फाइव ये निकला ये कोई और नहीं डियर इसकी वैल्यू निकल गई माइनस वन थ्री फाइव अब मुझे बताओ हमें निकालना क्या था हमें इमेज निकालनी थी हमने निकाल के दिया हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल दिया इससे पहली बार निकाला था अगर आप देखोगे हमने जो इससे पहले काम किया था एक्जेक्ट वही काम किया इस ए बी सी की वैल्यू जिसे निकाली थी वैसी टाइप का निकाला अभी अगर इसी क्वेश्चन में बोलता था इमेज क्या होगी तो अब आगे वाला काम जो मैं वहां करने वाला हूँ वो देख लो यहां पे आप खुद ही समझे डियर क्या आपको नहीं लगता कि ये मिड पॉइंट थ्योरम टाइप कुछ चल रहा है कितने लोग समझ पा रहे हैं कि थ्री जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इन दोनों को जोड़ के अगर आधा कर दूंगा तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन है निकाला हमने तो आप मुझे बताओ कि ए इज इक्वल टू कितना निकलना माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव निकलना नहीं रहा इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट में फाइव जो है वाई कोऑर्डिनेट का यहाँ का फाइव ले लो वहाँ का बी ले लो दोनों को जोड़ दो आधा कर दो ये वाई के इक्वल निकलना चाहिए निकल जाए मिड पॉइंट के थ्री तो उस हिसाब से बी कितना निकल रहा छः में से पाँच के एक निकलना बी एक रहा ए कितना निकल रहा सी कैसे निकलेगा आप सी बताओ सेवन में मैं सी को ऐड कर दूंगा सेवन में मैं सी को ऐड कर दूंगा डिवाइडेड बाई टू कर दूंगा इक्वल टू जेड कर दूंगा जो कि फाइव के है फाइव टू जेड टेन हो गया सी में से टेन में से सेवन गया थ्री तो सी कितना निकल गया थ्री निकल गया कितने लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमारी माइनस फाइव निकल गई इसकी वैल्यू हमारी वन गई इसकी वैल्यू थ्री निकल गई क्या आप समझ पाए देखो ठीक है मैंने आपको ऐसी लैंग्वेज ये वगैरह लिख लिख के नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं थी मैंने आपको डायरेक्ट समझाया होपफुली फुल यार समझोगे कोई दिक्कत हुई है ना प्लीज़ मुझे जरूर बता देना ठीक है ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया एज अ होमवर्क इसे ट्राई करें देखता हूं कि आपको क्या सच में समझ में आया तो प्लीज़ बिना देखे प्रोसेस को एक बार खुद जिसे ट्राई करना जो कुछ पढ़ा उस सबको अप्लाई कर दो इसमें जो कुछ अपना रिविजन कर सकते हो तो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक की जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो आपके समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत अब अगले लेक्चर से हम जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टॉपिक है वैसे तो बचे हुए थोड़े बहुत ठीक है स्ट्रेट लाइन जब एक बार हो जाएगा तो वो एक बड़ा पार्ट आपने कर लिया ऐसा समझ लेना आप क्योंकि प्लेन हमने कर लिया फिर स्क्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर कौन वगैरह करने में खास टाइम नहीं लगता शुरुआत में अभी टाइम लगता है अभी के लिए स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसीलिए अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करें अपने क्वेरीज वगैरह और इसका आंसर जो मैंने पीछे बताया तो क्वेश्चन पूछा उसका और वीडियो देख चुके आप शेयर कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मेटल देन गुड बाय सी यू टेक केयर जय हिंद बाय बाय